हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मशहूर रास्तगार गैन, आई वुड बी इनवाइटिंग हिम, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव वेब एप्स एंड वेरी जबरदस्त किस्म का टॉपिक अबाउट प्रोग्रेसिव वेब एप्स। मशहूर भाई का तारुफ वैसे तो क्या कहते हैं, खुशबू खुद अपने होने का पता देती है, लेकिन मैं आपको तारुफ उनका करवा देता हूँ। CTO हैं सस्ता टिकट .pk पे, और मुझे नहीं पता कि वो उसमें बसों के भी टिकट सस्ते हैं नहीं हैं, वो हम आएंगे तो इनसे पूछ लेंगे। गूगल डेवलपर एक्सपर्ट भी हैं और प्रोग्रेसिव वेब एप्स पे बात करने के लिए, ओवर टू यू मशहूर रास्तगार भाई। और दोपहर में खाना भी है, हैं तो आप तालियां बजा सकते हैं, तो उसमें जो एनर्जी आपकी खर्च होगी वो खाने में लग जाएगी, टेंशन ना लें। थैंक यू कमान भाई। ऑलराइट, सो सॉरी, मुझे वापस ये सवाल पूछना पड़ेगा, यहाँ पे कितने लोगों को पता है PWS के बारे में? बहुत कम, एक्सेलेंट, मैं यही चाह रहा। सो गुड, तो इफेक्टिवली ये जो टॉपिक है, दिस इज इफेक्टिवली टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, तो हम लोग बहुत ही थोड़ा आगे हैं, बहुत पीछे जाने, उसको कैंसिल करके जो है ना वहाँ से कर लें, यहाँ से हाथ से लेकर के अब प्रेजेंट कर लें, ये बात लो, थोड़ी देर बाद इंटरनेट आ जाएगा तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो हैं ये लोकल होस्ट पे क्या कर रहे हैं? आई थिंक वो बटन गलत दब गया हमारा, बैक करें इधर, बैक नहीं, बैक फॉरवर्ड यार, चलो उधर से लिंक खोल लें वापस, क्या यार कंप्यूटर में इतने कॉम्प्लिकेटेड। अभी चल ही रहा था एकदम से ही, कोई दौरा पड़ा है उसको,
फाइनली ठीक है. सॉरी ये जैसे कमेंट लाइन पहले कहा था डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में हम लोग, एक्सेप्ट कि हम लोग एक्सेप्ट करें और वेट करें पेशेंटली. तो इफेक्टिवली माई टॉक ओवर टुडे इज अबाउट हाउ टू मेक बेटर एप्स ऑन मोबाइल. नाउ आई डोंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये ऐप्स का जो वर्ड है थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है. लोग समझते हैं कि जी कोई बहुत ही हाई फाई ऐप होना चाहिए तभी वो एक ऐप कंसिडर करेगा, बट इवन अ सिंपल ब्लॉग कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऐप. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे कितने लोग समझते हैं कि नेटिव ऐप्स आर द फ्यूचर ऑफ मोबाइल ऐप्स इन इन द कमिंग ईयर्स, और कितने लोग समझते हैं कि मोबाइल वेबसाइट्स आर द फ्यूचर. ठीक है ना, तो इसके अंदर मोबाइल वेबसाइट्स को बनाना और उनको ऑप्टिमाइज करना मोबाइल के लिए, हाउ डू वी डू दैट. अभी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग मसला आया था कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था, राइट. तो ये मोबाइल के अंदर सिचुएशंस बहुत कॉमनली आती हैं. तो हाउ डू यू बिल्ड एप्स, मोबाइल वेबसाइट्स व्हिच आर रेजिलिएंट टू दिस थिंग. तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. क्विक इंट्रोडक्शन, एज इंट्रोड्यूस्ड मेरा नाम मशहूद है एंड आई एम लीडिंग द इंजीनियरिंग टीम एट sastaticket.pk. इट्स अ ट्रैवल वेबसाइट. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लाहौर से आए हैं. आप लोग यू कैन यूज़ दिस वेबसाइट टू बाई टिकट्स फ्रॉम फॉर दोज कमिंग फ्रॉम देयर. दूसरी चीज़, आई एम समथिंग कॉल्ड गूगल डेवलपर एक्सपर्ट. इट्स अ प्रोग्राम बाई गूगल जिसमें इफ यूर टू मेन थिंग्स, इफ यू आर वर्किंग इन द कम्युनिटी एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड, यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. अगर किसी को जानना हो और इसके बारे में तो प्लीज़ डू कम टू मी आफ्टरवर्ड्स एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. ये कुछ और कम्युनिटीज़ हैं जो लोकली जिनके साथ में इनको हेल्प कर रहा होता हूँ, सपोर्ट कर रहा होता हूँ कराची के अंदर. आप लोग ये बताएं कि कितने लोगों के पास इस तरह के कंप्यूटर होते थे. सबके पास थे ना, कितने के पास अभी तक हैं इस तरह के कंप्यूटर. यार आप लोग लैपटॉप ले लें प्लीज़, बहुत बहुत हो गया अभी, ठीक है ना. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन द वेब वाज वेरी सिंपल. हमारे कंप्यूटर्स भी सिंपल थे. वी हैड दिस बॉक्स इन आर हाउस, वो पड़ा होता था, उसके पीछे हम लोग डायलप पहले कनेक्शन लगाया करते थे. फिर दुनिया थोड़ी तरक्की कर गई, फिर हम लोग उसको लैन की तरह लगा देते थे, इंटरनेट चलता रहता था. और द वेब वॉज बेसिकली जस्ट सम टेक्स्ट एंड इमेजेस, लिंक्स होते थे एक पेज से दूसरे पेज पर चले गए, लाइफ वॉज गुड. बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 2004, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. इन अदर वर्ड्स कि अब आप किसी भी वेबसाइट को उठा लेंगे, उसका जो मेजॉरिटी ट्रैफिक है वो अब डेस्कटॉप से नहीं आ रहा, वो अब मोबाइल से आ रहा है. मगर जो मसला ये है कि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, हम उसको डेस्कटॉप की नज़रों से देख रहे होते हैं जब वेबसाइट बना रहे होते हैं, एंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग. तो एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है लोगों को, दैट्स अबाउट के वॉट आर द पैटर्न्स फॉर मोबाइल. कि अच्छा ठीक है, मैंने मोबाइल में वेबसाइट बनानी है या मैंने अपना ऐप मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है, तो what do I do to make sure that it runs properly, it works properly. So this has been a confusion for the last decade or so. Or iske andar ab all the big companies, they're coming together, Apple, Google, jitne bhi hain ye companies aa rahi hain, and they're trying to create this singular platform jisko inhone PWA ka naam diya hai. And effectively this is not a library, this is not like a single solution, this is a collection of techniques jisse hum log apne apps ko, अपने मोबाइल ऐप्स को बेहतर कर सकते हैं. तो व्हाट हैज़ एसेंशियली चेंज्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ चेंज हुई है दैट इज़ आवर डिवाइसेस. तो डिवाइसेस चेंज होने से इफेक्टिवली हमारी एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पैक्ट हुई है दैट इज़ कनेक्टिविटी. एक टाइम था कि हमारे घर में कंप्यूटर पड़ा होता था, इट वॉज कनेक्टेड टू अ वायर्ड कनेक्शन. ठीक है, कनेक्शन कभी स्लो हो गया कभी तेज़ हो गया, बट यू वुड नॉर्मली हैव योर इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग. मगर विद मोबाइल देर इज़ नो गारंटी ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन. अभी मैं इधर बैठा हूँ तो शायद मेरे पास 2G आ रहा है, मैं बाहर जाऊँगा मेरे पास 4G आ जाएगा, फिर मैं एक टनल में जाऊँगा तो मेरे पास 0G हो जाएंगे, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा. इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ऐप, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसको नेटिव ऐप्स ने बहुत अच्छी तरह कॉन्कर कर लिया कि अगर आपका ऐप चल रहा है तो आपको कोई ना कोई फीडबैक मिल जाता है नेटिव ऐप में, एंड विच इज़ वाई ऑल ऑफ अस नाउ यूज़ नेटिव ऐप्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी थिंग.
कि अगर कोई भी सर्विस हमने इस्तेमाल करनी है तो हम लोग सबसे पहले जाके ऐप डाउनलोड करेंगे, फेसबुक ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे. द चैलेंज वॉज कि हाउ डू यू मेक द सेम थिंग ऑन द वेब. तो हमें नज़र आ रहा है कि ओवर टाइम हमारे यूज़र्स जो हैं वो भी इसके साथ अडाप्ट कर गए. यूज़र्स वॉन्ट समथिंग दैट वर्क्स फास्ट एंड वर्क्स वेल. और अगर आप यहाँ पे स्टार्ट्स देखें तो इससे नज़र आ रहा है कि यू आर ड्रॉपिंग 53% ऑफ योर यूज़र्स इफ योर साइट्स टेकिंग मोर देन 3 सेकेंड्स टू लोड. यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी की वेबसाइट होगी जो 3 सेकेंड में शायद लोड होती हो. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट वी नॉट थिंकिंग ऑफ दीज नंबर्स राइट नाउ और आर वेबसाइट्स आर नॉट फुली ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल. नेटिव ऐप्स आर अमेजिंग मगर उनके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है. वाइल देयर इंगेजमेंट इज़ वेरी हाई क्योंकि उसमें पुश नोटिफिकेशन हैं, उसमें ऑफलाइन सपोर्ट है, दे वर्क बेटर, देर स्मूथ, राइट. मैं जब एनिमेशन करूँगा सारा कुछ स्मूथ आएगा. वेब पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती. मगर जो इसके अंदर सबसे मसला आता है ना वो डिस्कवरी में आता है. वेब हैज़ बिन अमेजिंग एट डिस्कवरी. अगर मैं अभी आपको एक लिंक यहाँ पर शेयर करूँ ऐप का, आप सब लोग देखेंगे उस ऐप का लिंक और कहेंगे अच्छा आई तो 60 MB की बाइनरी है, इसको तो मुझे अभी घर जाकर डाउनलोड करूँगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, ठीक है. इफ इट्स अ वेब लिंक ऑल ऑफ यू कैन ओपन इट ऑन योर फोन्स एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट राइट अवे. एंड दिस इज द एक्सेसिबिलिटी दैट इफेक्टिवली द वेब ब्रिंग्स इन. दूसरा मसला जो आप लोगों ने कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट इज़ द ऐप स्टोर. iOS एंड एंड्रॉयड ऐप स्टोर जो हैं वो नोटोरियस हैं कि वो कुछ ही ऐप्स को प्रमोट करते हैं और जितने भी नए और अच्छे ऐप्स आ रहे हैं वो गुम जाते हैं उसके अंदर आके. तो एक्सेसिबिलिटी इज़ अ बिग कंसर्न एंड विच इज़ वाई ये जितनी भी बड़ी टीम्स हैं दे हैव स्टार्टेड थिंक अबाउट कि यार हाउ डू आई गेट दिस थिंग वर्किंग, हाउ डू वी इम्प्रूव द वेब इटसेल्फ टू कम्पीट विद नेटिव ऐप्स. तो इफेक्टिवली ऑल वी नीड टू डू इज इम्प्रूव आवर वेब ऐप्स इन सच अ वे कि दे आर एज एंगेजिंग एज नेटिव ऐप्स. तो हमने 3 चीज़ें मेन आउटलाइन की हैं. व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आर PWAs, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आर मोबाइल वेबसाइट्स. वी वांट देम टू बी फास्ट कि जब मैं उसको किसी वेबसाइट को खोलूं तो वो फ़ौरन खुल जाए मेरे पास. वी वांट देम टू बी रिलायबल कि अगर मैं ऑफलाइन हूं और मैं कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो वो मुझे वो रिस्पॉन्सिव दे, मुझे एक वाइड स्क्रीन ना दे, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू सी. एंड फाइनली दे नीड टू बी इंगेजिंग. I want push notifications on my web. I want the ability to add to home screen. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो native apps के पास हैं. We also want this functionality on the mobile web. And effectively, this is what's the whole collection of this, जो इसकी चीज़ें, that is called PWAs, using service workers. तो service workers जो हैं they're effectively just one component of PWAs and they're effectively focusing around the reliable part. कि अपने आपको अपने आपने अपने आपने ऐप को ऑफलाइन किस तरह करना है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि व्हाट आर सर्विस वर्कर्स. सर्विस वर्कर्स जो हैं वो हर ब्राउजर के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है हर सारे लेटेस्ट ब्राउजर्स के अंदर. और वो इफेक्टिवली करता क्या है कि ट्रेडिशनली अगर आपको मोबाइल पर आप वेबसाइट एक लोड करते हैं तो वो सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो वो फेल हो जाएगा. इट्स गोना शो मी अ error page or white screen. Service worker is a cache that comes in between your app and your server. Aur jitni bhi request hain wo is cache ke through ja rahi hain. Now you can completely control this cache and what you can do is ke aap dekh sakte hain acha yaar abhi ye meri request ja rahi hai isko main itni der ke liye cache kar leta hu. Or you can do something even more advanced and this is one of the things I like about service workers ke mere paas abhi ye cache mein pada result isko main return kar deta hu. और जब मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा, फ्रेश रिजल्ट आ जाएगा सर्वर से, तो मैं वो भी बाद में रिटर्न कर दूंगा. एंड यूजिंग दीज टेक्निक्स यू कैन मेक योर वेबसाइट अलॉट मोर रिस्पॉन्सिव, यू कैन मेक देम अलॉट वर्क बेटर एंड फास्टर. एक और जो बड़ा अच्छी फंक्शनैलिटी है हमारे PWAs के अंदर दैट इज कॉल्ड ऐप शेल. नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफेक्टिवली दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग योर ऐप इन सच अ वे कि आपका जो कंटेनर है जिसमें आपका नैव बार है, हेडर है और जो बेसिक पेज वगैरह हैं उनको जो है आप सेपरेटली कैश करें. एंड उससे क्या होता है कि व्हेन यू सेपरेटली कैश दीज थिंग्स इवन इफ यू आर ऑफलाइन दीज थिंग्स विल ऑलवेज लोड. तो ये कभी नहीं होगा
कि आपके यूजर को एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आए. एक दफा आपका ये चीज लोड हो जाती है, सर्विस वर्कर में आप अपना कंटेंट भी कैश कर सकते हैं. तो इफेक्टिवली यू कैन स्टार्ट सीइंग योर कंटेंट इवन इफ यू आर ऑफलाइन. और जो रिलायबिलिटी की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स कमिंग इन. इट मे नॉट बी द मोस्ट लेटेस्ट कंटेंट दैट यू हैव, बट इट विल बी सम कंटेंट द यूजर गेट्स टू सी. इसके लिए जस्ट टू गेट टू नो कि कितने लोगों ने यूज किया यहाँ पे, कितने लोग फेसबुक लाइट यूज करते हैं. ठीक है, काफी सारे लोग यूज करते हैं. I would encourage everyone to go and try out Facebook Lite. And Facebook Lite is effectively a PWA. और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ यही है कि जब भी मैं Facebook.com खोलूंगा, it doesn't matter if I have a connection, not 2G है, 3G है, 4G है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, I will always get my news feed. किस तरह? इसी तरह कि उन्होंने एक app shell create कर लिया है, app shell पहले लोड होती है, फिर वो चेक करता है कि सर्विस वर्कर में कौन सा कैश कंटेंट है और वो उसको भी साथ सर्व कर देता है. It's not going to be my latest feed, but at least I have something to see while I'm waiting for the internet to come up, yeah, whatever it is. Jo teesri jo cheez hai, which is very important for mobile web to come on par with native apps, are these additional functionalities jo abhi tak web mein exist nahi karti thi. Usme sabse important jo cheez hai, that is push notifications. To there is something called web push. This is a new technology, and web push is now supported across all browsers. And isko jo hai hum log use kar sakte hain apni websites mein. And this works not only on mobile, this also works on desktop. Aapke Chrome browser mein aapko notifications milte hain kabhi kabhi, that is how they're getting them. So effectively you can now start adding native features into your mobile websites. Ab you're not limited to these features, these are the most popular ones. इसमें होम स्क्रीन प्रेजेंस है, यू कैन ऐड टू होम स्क्रीन, यू कैन डू पुश नोटिफिकेशंस, देयर इज वेब पेमेंट्स एपीआई, देयर आइडेंटिटी एपीआईज. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल वेबसाइट खोलूँ और नीचे से एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा आइडेंटिफाई एज मशहूद, और मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं उस वेबसाइट में साइन इन हो जाऊँगा यूजिंग माई गूगल क्रोम ब्राउजर. क्योंकि मैं गूगल क्रोम को पता है कि मैं साइन इन हुआ हूँ, वो ऑटोमेटिकली मुझे साइन इन कर देगा उस वेबसाइट के अंदर, इवन दो आई डोंट हैव एन अकाउंट देयर. तो इस तरह के APIs अब अवेलेबल हो रहे हैं, विच मेक्स इट वेरी वेरी इजी फॉर द मोबाइल यूजर्स टू यूज एंड एक्सेस आवर वेबसाइट. तो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट PWAs आर. देयर इज लॉट ऑफ डेप्थ, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड अप ऑनलाइन के इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और हाउ डू दे वर्क रियली. मगर जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो जहन में आता है, वो कहते हैं ठीक है ये बड़ी अच्छी फैंसी टेक्नोलॉजी है, मगर इसको यूज कौन कर रहा है अभी, and does it really work, does it help the mobile website. So I have two case studies today just to give you an idea. Aur ye case studies wo wali hain jo inki teams Google aur Apple ke sath baith ke inhone kaam kiya apne PWAs pe aur apne apps ko optimize specially kiya hai, and then they started getting these results. Twitter yahan pe almost har koi use kar raha hai, yahan pe kaun Twitter use kar raha hai, thode kam log hain yaar, baakiyon ko bhi use karna chahiye, acha tool hai. तो आई यूज ट्विटर अलॉट, मुझे सो मेरी वो आदत नहीं है वैसे कि मैं लोगों को अपनी हर लाइफ की चीज़ के बारे में बता रहा हूँ हर मिनट बाद, बट आई यूज़ इट फॉर शेयरिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट, इंटरेस्टिंग लिंक्स. इसी तरह देर आर मेनी थॉट लीडर्स ऑन ट्विटर जो अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, एंड इट्स वर्थ वाइल फॉलोइंग ऑल ऑफ देम. तो ट्विटर के अंदर, ट्विटर हैड दिस प्रॉब्लम अबाउट अ ईयर एंड हाफ अगो, उनकी जो ग्रोथ थी वो स्टॉल कर गई और अब उनको समझ नहीं आई थी कि वो नए यूजर्स कहाँ से लाएं. नाउ इट इज़ वेल नोन कॉन्सेप्ट कि जो नए यूजर्स जितने भी वेब पे आने हैं वो सारे इस रीजन से आने हैं, हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल ऑफ दिस रीजन इज स्टिल रिलेटिवली अनटैप्ड और नए यूजर यहाँ से आने. बट हाउ डू यू अट्रैक्ट दीज यूजर्स? एंड अगर आप ट्विटर का ऐप जाके देखें प्ले स्टोर के ऊपर, तो इट्स अ 60 MB ऐप. अब अगर मैं इवन अगर वाईफाई पर भी ट्राई करूँ तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड होने में. तो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एक्सेसिबल, ट्विटर केम अप विद समथिंग कॉल्ड ट्विटर लाइट. एंड एवर सिंस आई हैव इंस्टॉल्ड ट्विटर लाइट ऑन माई फोन, दैट इज द ओनली ऐप आई यूज. आई हैव द नेटिव ऐप इज वेल, मगर मैं नेटिव ऐप को यूज नहीं करता. वाई? बिकॉज इट इज अ बेटर एक्सपीरियंस देन द नेटिव एक्सपीरियंस. इट्स फास्टर, इट्स मोर रिस्पॉन्सिव और इसमें क्लटर हटा दिया बिकॉज इट नीड्स टू बी मिनिमल, राइट. तो जो जितनी एडिशनल फंक्शनैलिटी थी नेटिव ऐप में वो उससे कम फंक्शनैलिटी है, बट जो कोर फोकस है ट्वीट करने का उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है, एंड विच इज़ वाई इट्स अ बेटर एक्सपीरियंस. तो जब उन्होंने ये ट्विटर लाइट को लॉन्च किया, दे काइंड ऑफ फाउंड आउट कि
their Twitter tweets increased by 76% by doing just this one thing. उन्होंने एक ये मोबाइल वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दी है एज अ पीडब्ल्यू ए एंड दे सॉ एन इंक्रीज ऑफ 76% इन एंगेजमेंट. अलीबाबा का किसने नहीं सुना हुआ यहाँ पे? ठीक है, गुड. तो इफेक्टिवली अलीबाबा जो है दैट इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स स्टोर इन द वर्ल्ड एंड दे ऑल्सो सॉ सिमिलर रिजल्ट्स. और वी ऑल मेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स. We know how important this is for us. Improving 76% conversions on mobile is insane. It's a very, very big number. So effectively, this is the kind of engagement that we're started seeing now with using PWAs on mobile. So these are just some two examples. If you buy it, you'll see a lot. Google, you've noticed, they've converted all their apps into PWAs. Google Maps light version hai, Google Gmail ka light version hai, and you can use all of them on your phone without using the native apps. Iski cheez jo sabse achhi hai wo ye hai ki it works across the board. So effectively you can use it on any browser, any mobile browser, and it will work. Jo latest browsers hain sare. For those who are still maintaining older browsers, unke liye polyfills available hain. So this is a technology that is ready to use today. So I want to just run through two different ways of integrating PWAs into your WordPress websites. Pehla jo strategy hai, that's using a plugin. This is an example plugin, but you can essentially use any plugin. I know Jetpack and their functionality aa gayi hai. There are other plugins as well which are focusing on PWAs. So you install the plugin and you configure the plugin and you have the functionality available. इस अप्रोच से जो फंक्शनैलिटी आपको अवेलेबल होती है दैट इज द सर्विस वर्कर फंक्शनैलिटी. और उसके अंदर यू कैन डू समथिंग लाइक नोटिफिकेशंस एंड ऐड टू होम स्क्रीन फॉर योर एप्स. बट दिस डजंट डू द फुल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट. और PWAs इज एसेंशियली नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. आपने किस तरह मोबाइल वेबसाइट को बनाना है, तो फॉर दैट यू एक्चुअली हैव टू गो अ बिट डाउन इन डीपर इन टू योर कोड एंड एक्चुअली फिक्स थिंग्स प्रॉपरली. थीम लेवल की बात कर रहा हूं मैं. और उसके लिए वी हैव वर्कबॉक्स. वर्कबॉक्स इज दिस सेट ऑफ टूल्स दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल. और इफेक्टिवली आप इन टूल्स को यूज करते हैं अपनी थीम्स के अंदर. एंड वंस यू यूज दीज टूल्स प्रॉपरली इन योर थीम्स, योर वेबसाइट विल बी कंपैटिबल, विल बी फुली PWA कंपैटिबल. एक दफा आपने अभी कभी अभी वेबसाइट में टेस्ट करनी हो, देयर इज ऑल्सो अ टूल कॉल्ड लाइट हाउस. आप गूगल करेंगे लाइट हाउस को, इसका क्रोम प्लगइन है, आप उसको डाउनलोड करें एंड देन यू कैन रन अ टेस्ट एंड इट्स गोना गिव यू अ स्कोर कि आपने आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है. एंड देन यू कैन डू अ बिफोर एंड आफ्टर वाले टेस्ट. टू रन इट अप हमारे पास वी आर लुकिंग फॉर PWAs टू मेक आवर मोबाइल्स, मेक आवर वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव सो दैट दे वर्क अक्रॉस ऑल डिवाइसेस. वी वॉन्ट टू मेक देम सुपर फास्ट सो दैट पीपल इंजॉय यूजिंग देम. We want to make them reliable so that they work offline, and we want to use the app features so that we can also use the native functionalities like push notifications in our app, which will increase the engagement on our websites. And that was it about. Thank you. So we are taking two questions here regarding this session. If anybody have them, so we'll have those. Yes, one question. How would you differentiate AMP with progressive app? Excellent question. So AMP is also another technology that is being brought out by Google. This is a bit more Google specific. Or AMP is all about creating a cache on the server. ठीक है? और उससे हम लोग क्या करते हैं कि AMP के अंदर we strip down our website to something that is more simple. उसमें आपके कोई carousels, कोई plugins, कुछ नहीं है. And you just have this static page, और आपका वो cache हुआ server के ऊपर, Google के server पर या किसी के server के ऊपर. And you can download it in under 1 second. Okay, that is the target for AMP. So that's a very specific target that is within Google, just over काम कर रहे हैं. And PWAs is more general set of patterns to use on your mobile websites. अच्छा, instant apps और PWAs में क्या फर्क है? So instant apps essentially are PWAs, right? So effectively, instant apps are branded
by I think Google, if I'm not too wrong. So effectively it's the same thing, right? Okay, what you want is these unko unne categorize kar diya, unne brand kar diya unko, ki agar aap ye sahi cheezein use kar lenge, what you're going to get is an instant app jisko jaise hi aap kholenge na to wo launch ho jata hai. So and this is something you see on Twitter. Agar main apna Twitter ka native app launch karun, to it takes like a few seconds to load, magar jab main PWA ko launch karta hu, under 1 second on ho jata hai, it's functional. Any more questions? ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी आउटसाइड, हैप्पी टू टेक देम ऑन. थैंक यू.